हेलो भाई, देखिए भाई, आज केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली हो गई थी। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आज जिसके साथ डील करना है वो हमें किसके साथ करना है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ये सूडो का मतलब क्या होता है कि फॉल्स है, वो एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं। हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे और कुछ उन कंडीशन के अंदर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली में आपकी फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, कुछ कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और उन कंडीशन के अंदर वो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किस में चेंज होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर चेंज होती हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, रिएक्शन कुछ एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड। फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऑर्डर यूजिंग रेट लॉ। जो आपका रेट लॉ से जो ऑर्डर आना है उससे डिफरेंट अगर आपके पास आता है, क्यों डिफरेंट आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। आपका जो एग्जाम्पल है उसको यहीं पे डील कर लेता हूँ मैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बेसिकली हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सपोज करो कोई भी आपने एस्टर लिया। एस्टर क्या होता है, COOR ग्रुप आपका, ठीक है। तो आपने कोई भी लिया CH3CO C2H5 आपके पास था, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो आपके पास मिलेगा, एक तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका एसिटिक एसिड रहेगा, एक मिलेगा आपका एल्कोहल इथेनॉल। मैंने जो ये वाटर लिया है, अगर आपने जो ये वाटर लिया है ये एक्सेस के अंदर लिया है, बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर लिया है। तो देखो भाई, अगर मैं इसका रेट लो से रेट लिखना चाहूँ तो रेट क्या आना था, ये के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू वाटर। अब मैंने ये जो वाटर लिया है ये बहुत लार्ज एक्सेस में लिया है, तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी ये अगर बहुत एक्सेस के अंदर है तो इसकी कंसेंट्रेशन के अंदर जो चेंज आएगा, इसकी कंसेंट्रेशन में जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल चेंज होगा। और वो नेग्लिजिबल चेंज होगा या फिर हम बोले नॉट अप्रिशिएबल चेंज होगा, जिसको आप कंसिडर नॉट कंसिडरेबल आपका चेंज होगा। तो अगर आप कोई भी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, अगर आप किसी भी एक रिएक्टेंट का या दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी हाई, इतने एक्सेस में लेते हो कि जब रिएक्शन आपकी प्रोसीड करे जो चेंज आए, जो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उसकी वजह से जो इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आए वो नेग्लिजिबल हो, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ रेट इज इक्वल टू के डैश CH3COC2H5 बिकॉज यहाँ वेयर के डैश क्या आ गया आपका, वेयर के डैश इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये कोई अनोदर कांस्टेंट हमने यूज कर लिया। यहाँ पे ऑर्डर क्या था, सेकेंड ऑर्डर। अब क्या हो गया ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर नहीं थी, लेकिन हमने कंडीशन पुट की, हमने कंडीशन लगाई, हमने जो वाटर लिया वो एक्सेस में लिया, वाटर को एक्सेस में लेने से वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज जो था वो अप्रिशिएबल चेंज नहीं था, नेग्लिजिबल चेंज था। उसकी वजह से जो आपका रेट जो आया, वो ऑर्डर जो आया वो क्या हो गया, फर्स्ट। ये जो है इसकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनकी काइनेटिक्स के साथ कैसे डील करेंगे, तो उनके साथ हम डील करते हैं काइनेटिक्स ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस आता है आपका, पहले ही हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है भी, आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर आपके CBSE है बोर्ड में, इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपके पास एस्टर था CH3COC2H5
प्लस वाटर, और ये जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं हम, ये एसिडिक कंडीशन में करवाते हैं। एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, वो आपका बनाएगा क्या, CH3C2H+C2H5OH। जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, जब टाइम क्या है टी इज इक्वल टू जीरो, तो उस टाइम पे सिर्फ क्या प्रेजेंट था आपका, एस्टर प्रेजेंट है और एसिड प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे क्या है ए नोट, उस टाइम पे क्या है सिर्फ और सिर्फ ए नोट। जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू टी हो गया तो ये क्या हो गया होगा ए नोट माइनस एक्स, ये क्या बन गया होगा एक्स, ये क्या बन गया होगा एक्स। जब आपका टी टाइम जो है वो इन्फिनिटी हो गया होगा, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया होगा, ये बन गया होगा ए नोट, ये बन गया होगा ए नोट। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, ये जो एसिटिक एसिड आपकी जो प्रोड्यूस होती है एक्सपेरिमेंटली, हम जब रेट डिटरमाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आपकी एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड विद NaOH, NaOH के साथ हम क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं। उस टाइट्रेशन से होगा क्या, देखो इनिशियली व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था उस टाइम पे, यहाँ पे मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ क्योंकि काम आएगी हमारे C2H5H2OH पॉजिटिव एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल। व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अब बात करता हूँ, जब टी इज इक्वल टू जीरो था एसिटिक एसिड तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हुआ होगा, कम्प्लीटली क्या था ये ए नोट। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम यूज होगी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड किसके इक्वल रहेगी भाई, जो आपका एसिड आपने कैटलिस्ट के तरह ऐड किया था, सिर्फ और सिर्फ NaOH किसके साथ कंबाइन करेगा, सिर्फ इसके साथ, एसिड प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन NaOH यूज्ड या वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, एज कैटलिस्ट। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी था, एनी टाइम टी पे हम बात करते हैं, कुछ एस्टर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो इस टाइम पे आपका वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड या रिक्वायर्ड भी हम बोल सकते हैं वो किसके इक्वल आएगा, एक तो आपका जो एसिटिक एसिड बना होगा, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड एट टाइम टी और दूसरा प्लस वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, इसी के इक्वल रहेगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सारा का सारा किसमें चेंज हो गया होगा एसिटिक एसिड में, सो वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड किसके इक्वल रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म्ड एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट, ये रहेगा भाई कैटलिस्ट, सॉरी ये आए। देखो अभी जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था उस टाइम पे जो वॉल्यूम था मैंने बोल दिया वी जीरो, जब टाइम टी इज इक्वल टू टी था उस टाइम पे वॉल्यूम आ गया वी टी, टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी था वॉल्यूम आ गया वी इन्फिनिटी। अब देखो अभी ये जो वॉल्यूम, जब v इज इक्वल टू जीरो था तो जो v नोट है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, v नोट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट, वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट। वी टी है वो किसके इक्वल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम वो है वो किसके इक्वल, भी आपने वी टी था, वी टी किस पे ए नोट माइनस एक्स, तो ये कितना बन गया एक्स, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है भाई, आपका जो वी इन्फिनिटी जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी, जो आपका कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में, ए नोट प्लस वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट,
इसी में होगा। तो अभी मेरा v देखो, अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, v इन्फिनिटी माइनस vt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, a नोट माइनस x के, a नोट यहाँ से मैंने किया a नोट माइनस x के, v इन्फिनिटी माइनस v नोट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मेरा, a नोट के, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मेरा, a नोट के। मुझे पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो मेरा k है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 डिवाइडेड बाई t log a नोट डिवाइडेड बाई a नोट माइनस x। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई t log a नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ, v इन्फिनिटी माइनस v नोट डिवाइडेड बाई a नोट माइनस x की जगह क्या लिख सकता हूँ, v इन्फिनिटी माइनस v t। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे वी इन्फिनिटी वी नोट क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ये आपको होना चाहिए, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट टाइम इन्फिनिटी एट जीरो एट टाइम टी, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो आपका एग्जाम्पल है वो है इन्वर्जन ऑफ सुगर। देखिए सुगर आपका होता है C12O22, अरे क्या लिख रहा हूँ, C12H22O यही होता है, ठीक है। अभी इसका क्या किया आपने, वाटर के अंदर जब डालोगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये चेंज होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। देखिए ये जो होता है आपका, ये जो आपका सुक्रोज होता है, सुगर जो होता है, देखो भी, तो सुक्रोज जो आपका होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो मिक्सचर आएगा, टोटल मिक्सचर आएगा, ये आएगा लीवो रोटेटरी। कैसा आएगा, लीवो रोटेटरी। जो ग्लूकोज खुद होता है ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, और ये होता है एल लीवो रोटेटरी, और जो टोटल मिक्सचर आएगा वो एक लीवो रोटेटरी आएगा, रेसिमिक मिक्सचर आपका नहीं आएगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी क्या होता है, ये आपने स्पेक्ट्रो में पढ़ा होगा, स्टीरियो में पढ़ा होगा। डेक्स्ट्रो क्या होता है, जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करेगा, राइट में। अगर सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट में रोटेट करेगा तो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। हम क्या बोलेंगे अभी, लीवो रोटेटरी। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ये भी है, इसको हमने एक्सेस में लिया, इसको एक्सेस में लोगे तो रेट क्या आएगा, सेम वही K=C12H22O11H2। एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है तो मैं रेट को लिख सकता हूँ K-C12H22O11। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया मेरा, वन ऑर्डर आ गया, वन सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। यहाँ पे ऑर्डर क्या था आपका, टू, ठीक है। अब देखो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको, सुक्रोज को Sa प्लस H2O, H पॉजिटिव गिव ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये मैं लिख रहा हूँ। इनके केस में हम वॉल्यूम जो आपका K जो आपका होता है वह उसके अंदर A नोट और A नोट माइनस X को ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे, देखो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो क्या था आपका, जस्ट सुक्रोज प्रेजेंट था उस टाइम, मैंने माना इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन थी वो सिर्फ किसकी वजह थी, सुक्रोज की वजह से, ये एक भी नहीं था। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, तो इसकी रोटेशन आ गई कितनी s, इसकी आ गई g एंड इसकी आ गई f। ये गामा क्या है, या r क्या है, आपकी ऑप्टिकल रोटेशन। एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आ गई किसके इक्वल, ये कितनी थी स्टार्टिंग में, a नोट, ये a नोट माइनस x, ये आ गई x एंड x, ये कितना आ गया अभी लास्ट में, ये बिल्कुल इन्फिनिटी, ये कंज्यूम हो जाएगा,
ये आ जाएगा ए नोट जी और ये आ जाएगा ए नोट गामा एफ फ्रक्टोज। ये यहाँ पे आर क्या है, ये है आपकी ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। तो अभी देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आपका क्या था, जो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन किसके इक्वल थी, ए नोट आर एस। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे टोटल ऑप्टिकल टोटल रोटेशन की बात कर रहा हूँ, टोटल क्या आ गई, ए नोट माइनस एक्स आर एस प्लस एक्स आर जी प्लस एक्स आर एफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नोट आर एस प्लस, इसमें से एक्स मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया, आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस, ये आ गया एट टाइम टी पे। अभी देखो एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट टाइम टी टोटल किसके इक्वल आएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, तो क्या आ गया, ए नोट गामा जी प्लस ए नोट गामा सॉरी आर एफ, रोटेशन इनकी वजह से आ गया। अभी देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ हम क्या करेंगे, आपकी जो टी नोट है, आपका जो टी नोट है एंड क्या है एट इन्फिनिटी, तो मैं ये कर रहा हूँ टी इन्फिनिटी, या बेसिकली ये क्या है, गामा, गामा है आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, गामा इन्फिनिटी। मैं बोल रहा हूँ गामा इन्फिनिटी माइनस गामा ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम इन्फिनिटी माइनस जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट गामा जी प्लस ए नोट गामा एफ माइनस क्या आ जाएगा, ए नोट गामा एस। यहाँ से आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट, ए नोट मैंने कॉमन लिया, क्या आ गया, आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। एक तो इक्वेशन बन गई, दूसरी मैंने की आर इन्फिनिटी आर टी माइनस, या फिर मैं आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, एक मैंने पुट की है। अगर मैं ये पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये पुट करूँगा तो आर इन्फिनिटी मुझे पता है क्या है, ए नोट आर जी प्लस ए नोट आर एफ माइनस ए नोट माइनस एक्स गामा एस, टोटल माइनस करेंगे तो प्लस सॉरी माइनस एक्स आर जी माइनस एक्स आर एफ। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, ए नोट आर जी ए नोट आर एफ एंड ए नोट आर एस, इसमें से मैंने ए नोट कॉमन लिया क्या आ जाएगा, आर जी प्लस आर एफ माइनस माइनस सॉरी माइनस आर एस, ठीक है, प्लस ये जो इक्वेशन है इसमें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से मैंने एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा भाई, आर एस माइनस आर जी माइनस आर एफ। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ए नोट माइनस एक्स आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया एंड ये दोनों टर्म्स क्या हो गई सेम, तो ए नोट माइनस एक्स एक आ गया, आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस एक आ गया। अभी ये दोनों इक्वेशन देखो, वन एंड टू, आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड वन बाई टू, डिवाइड वन बाई टू, वन बाई टू हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो अपने पास आएगा क्या, आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट ए नोट आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इन्फिनिटी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट माइनस एक्स। ये हमारे काम का है, इसको मैं दो ऊपर और नीचे से मैं माइनस अगर कॉमन लूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ए नोट माइनस एक्स
आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो वो तो कुछ सेम बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस आपने कॉमन लेना है। तो अभी जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मुझे पता है के किसके इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट की जगह पुट कर सकता हूँ आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं भी करो 1% भी दिक्कत नहीं है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए। फॉर सुक्रोज लो आपका जो रेट कॉन्स्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। देखिए कई यहाँ पे दो क्वेश्चन की कई बार एक केस बनता है, आपको गिवन होगा इफ मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये आपको गिवन है, मिक्सचर आपका कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन पुट आर टी इज इक्वल टू जीरो। आर टी को क्या पुट कर दोगे, जीरो। सो आपका के किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी। जब आपका पूछे कि आपका वो टाइम बताओ, वो पूछे व्हेन मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आपका टी जो आ जाएगा वो 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी आ जाएगा। मिक्सचर आपका कैसा आ जाएगा, मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कई बार क्या होगा आपको आर नॉट गिवन नहीं होगा, आर नॉट क्या होगा, व्हेन आर नॉट इज नॉट गिवन, कई बार क्या होगा आर नॉट गिवन नहीं होगा। तो आर नॉट गिवन नहीं होगा तो कुछ नहीं है, आपको आर नॉट को जीरो पुट कर देना है, आर नॉट को क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। तो उस टाइम पे क्या होगा आपका के 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, कुछ नहीं है, दोनों ऊपर नीचे माइनस कॉमन लिया है और ये चेंज हो गया। अगर आर इन्फिनिटी नहीं गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन आर इन्फिनिटी इज नॉट गिवन, जो भी गिवन नहीं है उसको जीरो पुट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर इन्फिनिटी को जीरो पुट करोगे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर नॉट, नीचे आ जाएगा आर टी। तो जो ये दोनों हैं, ये दो केस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बनता है, वो आपसे पूछेगा कैलकुलेट द टाइम व्हेन मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब भी पूछे मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर टी को जीरो के इक्वल पुट कर देना, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से 101% आपका न्यूमेरिकल पूछने वाला है, और पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ये चीज़ डाल लो। बच्चे लगे रहते हैं सर डेरिवेशन, अरे कोई नहीं पूछने वाला डेरिवेशन, जिसका पूछेगा वो बताएंगे, बेटा इसका पूछेगा, इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, सीधे डायरेक्ट रिजल्ट्स आप अच्छे से याद करो और इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हैं ही, हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।